वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा मुशीरान और तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं आकिब तनवीर से। आकिब, आगाह कीजिएगा, मुलाकात में कौन कौन से अहम अमूर ज़ेरे गौर आए? तो मुलाकात में जो सूबाई वज़रा हैं वो शामिल थे, जिसमें मियां असलम इकबाल चौधरी ज़हीरुद्दीन जो कि मिनिस्टर फॉर प्रोसिक्यूशन है, अरकानी असम्बली उमर आफ्ताब फरम एजाज और नियाज खान, इसके साथ साथ नदीम अफजल चंद और नज़ीर चौहान भी इस मुलाकात में शामिल थे, जिसमें एक तो हकीकी तरक्की और इनकलाब के हवाले से बात की गई, दूसरा सूबे के जो छोटे शहर हैं उसमें जो यकसा तरक्की पर यकीन रखते हुए उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया, हकीकी और पायदार तब्दीली और तरक्की जो है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया, तालीम और सेहत के मयार को जदीद शक्ल देने के हवाले से, इसके साथ साथ जो तरक्याती मनसूबे हैं उनको अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से जारी रखने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, 100 रोज़ा जो एजेंडा है उसकी तकमील के लिए जो घर दिए जाएंगे, उसके साथ साथ जो सूबे के तमाम बाकी अवाम के जो मसाइल है उसके ऊपर भी तफसीली जो तबादला ख्याल है वो किया गया। तो इस मौके पर वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे के जो अवाम है मेरा असासा है, इनके मसाइल हल करने के लिए दिन रात एक करूंगा और जो 100 रोज़ा एजेंडा है इसकी तकमील के लिए घर नहीं जा सका, सूबा भर के अवाम के मसाइल हल करना चाहता हूं और दिन रात कोशिश करके अवामी मसाइल जो। बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन वीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।